रहीम अल्लाहुम्मा कुल वलीयकल हुज्जत इब्न अल हसन अलैहि सलाम सलावातुका अलैहि व अला अबाए फी हाजी साअते व फी कुल साआ वलीयम व हाफिजम व काइदम व नासिरम व दलीलम व ऐदा हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवा व तुमत्ते आहु फीहा तवीला या रब्बल हुसैन बेहक हुसैन इश्फ़े सदर हुसैन बेजहूर हुज्जत कायम आल मुहम्मद। मेरा मेहरबान रहमान रहीम अल्लाह ए हन्नान मन्नान अल्लाह ए हय्यो ए कयूम अल्लाह ऐ समीयो ऐ बसीर अल्लाह ऐ अलियो ऐ अजीम अल्लाह ऐ अव्वलो ऐ आखिर अल्लाह ऐ ज़ाहिरो ऐ बातिन अल्लाह ऐ ज़ुलजलाल वल इकराम अल्लाह ऐ अला कुल्ले शैयन कदीर अल्लाह। अपनी शान वास्ते ही नबियां दे सुल्तान दा वास्ते ही वालिये खुरासान दा वास्ते ही इमामे जमन दे ज़हूर च ताजील फरमा। इलाही आमीन। मेरा मालिक असा गुनहगारा नूं वक्त दे हुज्जत दा कुर्ब नसीब फरमा। मेरा मौला अपनी अजमत दा वास्ते ही मुहम्मद वाले मुहम्मद दा वास्ता जितने अजादार हुबदार मातमदार दूर करीब तू जितना सफ़र करके दरबारे इमाम हुसैन अलैहि सलाम च पहुँचे इलाही अपनी शान वास्ते ही जो मरीज़ आए न शिफा अता फरमा। जिन्हें मरीजा दियाँ दुआवां एक मातमी एक्सीडेंट होया मेरा अल्लाह सेहत कुल्ली अता फरमा। मेरा मालिक खालिक खावर शहबाज दिल दे मर्ज़ च मुबतला है मेरा मौला और दीगर जितने मोमिनीन दिल दे आर्ज़ च मुबतला है मौला सेहत कुल्ली अता फरमा। मेरा मालिक खालिक एक सैयादज़ादा आखे दुआ दा उन्हां दे वालिद दा इंतकाल हो गया मेरा अल्लाह कब्र नूं वुसअत अता फरमा। कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमा। हाजरीन दी जो जो हाजत है बाबुल हवाइज हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम दे सदके मेरा मौला तमाम दी हाजत रवाई फरमा। बे औलादा नूं कामिलुल खिलकत नेक नरीना साहले औलाद अता फरमा। मकरूजा दे कर्ज अदा फरमा। जो हजो ज़ियारात वस्ते सिख दिन मेरा अल्लाह अपने घर दा दीदार नसीब फरमा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम दे रोज़े दा दीदार नसीब फरमा। सारे अमीन आखना मेरा मौला मौत दे हमले तो पहले रोज़ाए शबीर दी ज़ियारत नसीब फरमा। मेरा मालिक खालिक साढ़े मातमी जलूसा की हिफाजत फरमा। मुहाफजां की हिफाजत फरमा। इस्लाम दा बोलबाला फरमा। अलीयुन वलीयुल्लाह दा बोलबाला फरमा। मेरा मौला वक्त दे इमाम और साढ़े दरम्यान असा गुनहगारां दे जिहड़े गुनाह हायल हैं मेरा अल्लाह मजलूम करबला दा वास्ते माफ़ फरमा दरगुजर फरमा और मौत तो पहले यूसुफ सैयदा दी ज़ियारत नसीब फरमा। माशाअल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम बिरहमतिका या अर्रहमर रहीमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा
दुआवां दी मंजूरी वास्ते सलवात बावाज़े बुलंद अव्वल तो आखिर सारे सबान अल्लाहु बादशाह फरमाते हैं साढ़े ते दरूद पढ़ो ताकि तुहाडे गुनाह माफ हो जावन बुलंद आवाज नाल सलवात मुहम्मद वाले अल्लाह एक सलवात अपनी अपनी जल्द अज जल्द ज़ियारत करबला मौला वस्त इज़्ज़त अबुल फजल अब्बास अलैहि सलातो व सलाम थी अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। इजाजत है गुफ्तगू का आगाज करिए। अशरे मुहर्रमुल हराम 1443 हिजरी इस सिलसिले दिया चौथी मजलिस। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी ये फिर एक होर दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे वसीले नाल नसीब होया। आज दी मजलिस मनसूब है बाबुल हवाइज अकील दा चन अब्बास दा वीर हुसैन दा सफीर हजरत मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम दा क्योंकि बादशाह दी मजली से और मेरी मर्जी है कि शहनशाह पाक दी इज्जत ते दो चार जुमले फजीलत दे ताकि मुकम्मल मजलिस इस बादशाह दी जो बाबुल हवाए जे आज तां दा दरवाजा है याद रखिया है। पांच बाबुल हवाए जिन पांच पहले बाबुल हवाइज का तारुफ करावा माशाअल्लाह पहले सरशार बैठे हो विलायत दे अजीम मौजू विच तो पहले बाबुल हवाइज का नाम है अली। कुल हाजतां का दरवाजा जिथे किसी नु खाली नहीं लुटाया जाता। दूसरे बाबुल हवाइज दूसरे बाबुल हवाइज का नाम भी कमाल सुबहान अल्लाह। दूसरे बाबुल हवाइज का नाम है अबुल फजल अल अब्बास। और याद रखना तीसरे बाबुल हवाइज वाली काजमैन वाली खुरासान दा बाबा मूसा काजिम अलैहिस्सलाम। और याद रखे आए जवानों इन पांच बाबुल हवाइजा में एक बाबुल हवाइज मस्तूर है जिसका नाम उम्मुल बनीन है। और पंजवें बाबुल हवाइज का नाम मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम। हर किताब नु जदो इंसान खोलता है तो उसके पहले सफे ते उसका मुकदमा दर्ज होता है जिस पूरी किताब का निचोड़ लिखा होंदा है। मुकदमा पढ़ लवे तो किताब की समझ बंदे नू लग जाती है बे किताब विच लिखे होया की है। याद रखे चकवाला लियो करबला दे मुकदमे का नाम मुस्लिम इब्ने अकील है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 15 माह रमजान नू मक्का दी सरजमीन ते यह फैसला किया। दो चार मिनट की बात इस समात फरमाओ कि कूफालां दे ला तादाद खत आ गए तो मेरी मर्जी है मैं अपना सफीर भेजा कूफे और मैं अपनी सफ चू जमात फौज चू किसी ने अपना सफीर बना के कूफा भेजा जिहड़ा पूरे कूफा दे हालात दा जायजा लवे और फिर मेरे तक खत इरसाल करे और फिर उस दे जवाब विच मैं फैसला करा कि कूफे जाना है या नहीं जाना। खबर असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम विच पहुंची तो एक दफा सारे बेकरार हो गए कि पता नहीं ये एजाज ए फजीलत हुसैन इब्ने अली दा सफीर होना
ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਨੇ ਬਾਜ਼ੇ ਨੇ ਚ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਏ ਹਨ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਰੇਸ਼ ਚੋਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਨੂ ਹਾਸ਼ਿਮ ਚੋਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕਬੀਲੇ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਬਨੀ ਅਸਦ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋ ਗਿਰੋਹ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਕਬੀਲੇ ਬਨੂ ਅਸਦ ਦੇ ਲੋਕ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਹਨ, ਔਰ ਕਬੀਲੇ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे नाल हन। याद रखे जितने भी हुसैन इबन अली नाल टुरे हन ना, इन्हां नूं मौत मैटर नहीं करदी, ये मौत नूं मार के निकले हन। गौर नहीं कीता तुसां, समझो मैं की आख रहा जवान, मेरा मजमून तो नहीं ना पढ़ना शहादत दा, करबला दसनी भी हालात वाकियात कैसे हन, किस माहौल च इन्हां इस्लाम नूं किस मकाम ते बुलंदी दा ये मुजाहरा कीता है मुहम्मद आल मुहम्मद ने। और याद रखना जवानों, हुण हर कोई मौत कान तो सारे तैयार, सारे ने पता है हुसैन दा रस्ता शहादत दा रस्ता है, जिसका हर मंजिल ते खुद सैयद शहदा ने ऐलान किया है, कोई अगर माले दुनिया वास्ते मेरे नाल है तो वापस चला जावे। शबे आशूर जिंदगी दी आखिरी शब तक चराग बुझा बुझा के की अदले की अदालत है। तो इमाम हुसैन अलैहि सलातो सलाम ने किसी नु भी ये नहीं आखिया भी माले दुनिया है या दुनिया, फरमाया नहीं, इस्लाम दी बका दी जंग है, हुसैन इब्न अली लड़न जा रहे है, तलवारां दा रस्ता है, तीरां दा रस्ता है, सर कटाण दा रस्ता है, बका हमेशा दी है। जेड़ा मेरे नाल शहादत दे दर्जा ते फायज हो सी, बका हमेशा दी उस दे हिस्से दी है, लेकिन जर दौलत दुनिया दा रस्ता नहीं है, दीन दा रस्ता है, बका दा रस्ता है। तो जितने नाल टुरे हन वो मौत मन के टुरे हन, हुण की करना आई कुर्बे इमाम हुसैन अलैहि सलाम हासिल करना, तो सारियां दी मर्जी आई कि मौला सन कूफा भेजन, जिन्हां दी नज़र जे करबला तक नहीं जा रही, सारे दी मर्जी है कि अगर सन मौला कूफा, शुजा ने करबला किताब दा कदी मुतालिया करो जवानों, सारे दी मर्जी आई कि सारे तो पहले किसी ना किसे तरीके मैं किसी मिशन च कम आ जावां, कोई कम मेरे जिम्मे हुसैन इबन अली लामन, मैं हुसैन इबन अली पिछे सिर ला देवा या लहा देवा, सारे दी मर्जी आई। तो सारे सफ बस्ता इमाम हुसैन अलैहि सलाम दे सामने खड़े हो गए। तो इमाम हुसैन अलैहि सलाम दी इमामत आली नज़र टुरदी टुरदी मुस्लिम दे चेहरे ते रुक गई। इमाम हुसैन दा इंतखाब है, इमाम कायनात दा इंतखाब है, साहिबुज़्ज़मां दा इंतखाब है। तो मतलब फरमाया मुस्लिम तुसा कूफे जाना है, दुआ भी शॉर्ट इस वजह तू मंगी है ताकि मैं कुछ कुछ आख सकां, सरकार मुस्लिम ते कुछ बोल सकां जो बोलना चाहिए अज दी मजलिस च। एवें नहीं होया भी खत लिख के दे दिता तो मुस्लिम सरकार घोड़े ते चढ़ के कूफे आ गए, ते शाह इंज नहीं होया। पहले तो यही बड़ी वड्डी गल है कि हुसैन चुनदे के सुन, चुके याद रखा है मुस्लिम इस मकाम नु पा के बहत्तरां विचों भी मुनफरद अजमत हासिल की थी। याद रखा है हुसैन दा सफीर होना कोई आम बात नहीं, हुसैन अल्लाह दा सफीर है, मुस्लिम हुसैन दा सफीर है। समझ आ रही है मेरी कौम नु मैं की आख रहा यार? इमाम हुसैन अलैहि सलाम दा आजादार सदवा के एडा नाज है, इमाम हुसैन अलैहि सलातो सलाम दा मातमी सदवा के इतना नाज है, इमाम हुसैन अलैहि सलातो सलाम दा मदा खान सदवा के इतना नाज है, ते सफीर हुसैन होना मुस्लिम मेरा सफीर बन के तुसा कूफे जाना है, हथ बन के प्यादन इथाउं टुर जावा। फरमेंदन जेड़े ला तादाद खत आ गए मुस्लिम हानी बिन उरवा नु खत देना है, और उस खत च मैं मुस्लिम तेरा तारो भी लिख रहा, हानी बिन उरवा तुहाडे इंतजार च हो सी। जेड़े ला तादाद कूफा वाले ने खत भेजे ने कहे हुसैन इबन अली अगर तुम मक्का छोड़न का इरादा करो तो किसी पास ना जवे आए, तुम कूफा तशरीफ ले आओ,
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਮਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਸਾਂ ਤੋ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਖਤੂਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਖਤ ਮੁਕੰਮਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਫੀਰ ਹੁਸੈਨ ਬਣ ਕੇ ਕੂਫਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਤਾਰਫ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਹੈ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਅਗਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸੈਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਫੀਰ ਹੈ ਉਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਮਜਲਿਸ ਇਜ਼ਾਫੇ ਸੁਣ ਸੋ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਹਾਨੀ ਬਿਨ ਉਰਵਾ ਪਾਸੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਸੱਤਰ ਲਿਖੀ ਕਦ ਅਰਸਲ ਤੋ ਅਲੈਕੁਮ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਾ ਬਈ ਬਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਕਦ ਅਰਸਲ ਤੋ ਅਲੈਕੁਮ ਜਿਸ ਕੋ ਤੁਮਹਾਰੀ ਜਾਨਬ ਇਰਸਾਲ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਭੇਜ ਰਹਾ ਹੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਲ ਬੈਤੀ ਯੇ ਮੇਰੀ ਅਹਲ ਬੈਤ ਮੈਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਮਜਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਕੌਮ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਬੇਬਹਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਦਰੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਵੀਏ ਔਰ ਸਾਹਿਬੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਆਖਣ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੋ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਅਕੀਲ ਜੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਹੈ ਕਿਸ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਲਾ ਬੈਤੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਤਨੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਾਂ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜੁਮਲਾ ਕਿ ਉਸ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੈਯਦ ਸਾਜਦੀਨ ਜੈਸਾ ਆਬਿਦ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਠ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਣ ਜਿੱਥੇ ਅਕਬਰ ਜਵਾਨ ਜੈਸਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੋਵੇ ਅਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਹੋਵੇਣ ਜਿੱਥੇ ਲਾ ਤਾਦਾਦ ਹਾਸ਼ਮੀ ਜਵ ਅਫਜ਼ਲ ਆਲਾ ਬੈਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੌਲਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਮੁਬਾਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਇਬਨ ਅਕੀਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੂਫਾ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨੌ ਜ਼ਿਲਹਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸੈਨ 15 ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਖਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸਤਰ ਲਿਖੀਏ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਲ ਬੈਤੀ ਵ ਸਕਤੀ ਯੇ ਮੇਰੀ ਅਹਲ ਬੈਤ ਮੇ ਸੇ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਹੁਸੈਨ ਕਾ ਏਤਮਾਦ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਏਤਮਾਦ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਵਾਨੋ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨ ਏਤਮਾਦ ਕਰੇ ਦੀਨ ਬਚਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਲਾ ਇਤਮਾਦ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਆਦਿਨ ਔਰ ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਇਤਮਾਦ ਕਰੇ ਖੁਦ ਮੌਲਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਵਸਕਤੀ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਇਆ ਹਾਨੀ ਬਿਨ ਉਰਵਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਿਮ ਬਿਨ ਔਸਜਾ ਇਹ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਹਨ ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਮਜ਼ਾਹਿਰ ਉਲ ਅਸਦੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਿਨ ਸੁਰਦ ਖਿਜ਼ਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਇਬਨ ਮਰਜਾਨਾ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਲਾਂਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਉਸਦੇ ਆਰਡਰ ਗਵਰਨਰੀ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਉਹ ਦਾਰੁਲ ਅਮਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੂਫਾ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਦਾ ਸਫੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਗਾਮ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਤੋ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦੱਸਣਾ ਆਈ ਨਾ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਯਜ਼ੀਦ ਅਲ ਐਲਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਖਤੀਬ ਸਫੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਕੀਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਆਦੀ ਹੈ ਕਿ 3000 ਦਾ ਰਸ਼ 3000 ਬੰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਕੂਫਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਅਕੀਲ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਔਰ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਅਕੀਲ ਕੂਫਾ ਆਇਆ ਖਚਾ ਖਚ ਮਸਜਿਦ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ
मुस्लिम ने अकील वास्ते मिंबर लाया गया, मिंबर दे सज्जे पासे जा निसार खलो गए, हानी बिन उरवा, मुस्लिम ने अकील और सुलेमान बिन सुरद खिजाई, हबीब ने मजाहिर और इन्हां दे कबाइल दे लोग। हानी बिन उरवा दा कबीला सारे तो वड्डा कबीला आई और हानी दे दिल ले चली दे विलायत आई। मुस्लिम ने अकील याद रखा है तख दी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मिंबर ते तशरीफ फरमा होए, 3000 दी आखे च हुसैन दे शेर ने अख पाई। और याद रखना मेरा इस मकाम ते ये जुमले अदा करना बड़ा आसान है, चूंकि मैंने यकीन है शिया दा मजमे अहले सुन्नत दा मजमे, मैं जिसका जिक्र सुनन आया बैठा तुसी उसका जिक्र सुहावन आए बैठे हो, जो जिक्र कर रहे हो तुसी कबूल कर रहे हो, किसी की जरूरत नहीं जिक्र ते इतराज करे, चूंकि इतमान है सारे अपने। मुस्लिम उत्थे हुसैन पढ़ना है जिथे अद्धे यजीद दे तरफदार हैं। जुर्रत नूं सलाम करदे जाओ ना जवानों, हुण अपनी दाद पिछे मैं कौम दा हक रख जावां तो मेरा दिल इस इंसाफ नूं नहीं मंदा, लेकिन अगर बात पहुंच गई है तो बस मेरा सफर पूरा हो गया। तो उत्थे जिथे इबने ज़ियाद दे प्रोटोकॉल वास्ते बंदे तैयार हैं, जिथे यजीद दी फौज दियां भर्तियां खुल चुकियां और ऐलान हो गया भी किसी भी मकाम ते यजीद और हुसैन इबने अली दी फौज दा सामना हो सकता है, तो विच अपने भी हैं तो पराए भी हैं। मुस्लिम ने अकील तख्त आए और पहला जुमला आखिया दारैन कुर्बान कर देवा इस खतीब दी इज्जत ते। हर अख वेख रही है कि मुस्लिम हुसैन दा सफीर बन के अख दे किए पहुंचाना हुसैन है। पहला जुमला फरमाया 3000 दी अखे चक पा के फरमाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलका मुहम्मदन व अलियन दलीलन ले जाते ही। सरकार मुस्लिम फरमाया कुफाले हम दे उस अल्लाह दा जिस मुहम्मद और अली नो खल की ता कीता हा ताके अपनी जाते दलील दे सके। मैं यार बुलंद करो सुनन दा जवानों थोड़ा, दलीलन ले जाते ही जिसने मुहम्मद और अली नो खल की ता कीता ताके अपनी जाते दलील दे सके। सरकार मुस्लिम फरमाया कुफा वालो तुसी जान दे वकान सैयदुल अकबर मुहम्मद मुस्तफा सारी जिंदगी उस नाल बोलें और फिर उस दी वजह तू मखलूक नाल बोलें। इस्लाम दा मसला है ना, तो तारुफ इस्लाम दा करवाया और सरकार दो आलम तू गल शुरू करके हुसैन इब्ने अली तक लेके आनी है भी हुसैन चांद की है। वकान सैयदुल असगर, मुस्लिम ने अकील अलैहिस्सलाम फरमाया और सैयदुल असगर यानी अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी तौहीद दे दुश्मन मारे। कूफा आलियो अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम दी अदालत तुहाडे सामने, अली दे फैसले तुहाडे सामने, अली दी हुकूमत तुहाडे सामने। अली इब्ने अबी तालिब ने दीन और शरीयत और उम्मत दा तहफ्फुज किस रंग च कीता तुहाडे सामने, खुआरिज नाल जंगा किवें कीतियां तुहाडे सामने, इस्लाम नूं बचाया किवें तुहाडे सामने। और ये कूफा, सरकार मुस्लिम दियां बातां, सरकार मुस्लिम फरमाया ये ओ कूफा है जिथे अमीरुल मोमिनीन शाही करके गए और तुसी पूरा कूफा गवाह है कि अली कदी भी अपने दुश्मन नूं नहीं मारिया। एक यजीद दा तरफदार खड़ा हो गया, उसा कहा मुस्लिम कदी अली अपने दुश्मन नूं नहीं मारिया। फरमाया मैं तन जानदा तू उह नहीं, तू आदा अली अपने दुश्मन नाल नहीं लड़िया, याद कर जद उन वी रमजान अली कातिल नूं शरबत पिलाया हा। अली इब्ने अबी तालिब जंगे सिफीन च अपनी जात वास्ते नहीं लड़े, अल्लाह दी जात वास्ते, और मुहम्मद दे बाद दीन अली दे हिस्से विच और अली दे बाद दीन हसन दे हत्थ च आया। हसन अमीर ने उम्मत दी बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी तो बचाने वास्ते हर जरूरी इकदाम हसन अमीर ने किया जिस दी जरूरत आई। हसन अमीर नु जहर दे दिता गया। 50 हिजरी तो बाद दीन दी बाग दौड़ हुसैन इब्ने अली दे हत्थ च। 10 साल हुसैन इब्ने अली ने तुहाडा इंतजार किया, हुण तुसा खत लिखे तो मैं हुसैन दा सफीर बन के कूफे आया। फरमाया कूफा लियो हुसैन बैतुल्ला वे तुहाडा इंतजार कर रहा है और खबर कूफा च पहुंच चुकी है कि इब्ने मरजाना भी किस वक्त अपने लश्कर दे नाल दारुल अमारा नूं अपने कंट्रोल च लै लए सी। तो फरमाया हुण सोचो नहीं, हुसैन दा साथ देवो, हुसैन दा साथ देवो। किसे आखा जी यजीद की तरफों में बड़े बड़े माल की पेशकश बंदियां नूं हो रही है,
ए जुमला सरकारे मुस्लिम दा मैं दारैन कुर्बान कर देवा। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने फरमाया हैफ उस बंदे ते जेड़ा वबा भरी मौत पिछे नूर भरी जिंदगी दा इनकार कर दे। यजीद नु की आख्या वबा भरी मौत और नूर भरी जिंदगी। फरमाया कूफा आलियो वंड आप कर ले वे हुसैन दा तुझा साथ देना है या यजीद दा साथ देना है। सरकारे मुस्लिम ने अकील ने फरमाया याद रखिया है जेड़ा शराब पी के तख्त बह के लोगां नु गाली गलोच करे उसनु यजीद आ दिन, जेड़ा अल्लाह नाल सरगोशियां करे उसनु हुसैन आ दिन। हाँ हाँ सरकारे मुस्लिम दे जुमले फरमाया जेड़ा जानवरां नु लड़ा के खुश होवे, जेड़ा जानवरां नु लड़ा के खुश होवे उसनु यजीद आ दिन, जेड़ा कुरान चो कलाम करे उन हुसैन आ दिन। सरकार मुस्लिम दगला जुमला फरमाया गुफा लो याद रखा है खुलासा वजूद हुसैन। लोगा के जी इसकी समझ नहीं आई, सरकार मुस्लिम फरमाया याद रखा है इस वजूद नु फैला दियो सवा लख नबी बन दिन, सवा लख औसिया बन देन। याद रखा है मोहम्मद अली सैयदा हसन और हुसैन बन देन। फरमा याद रखा है इस वजूद नु फैला दो तो फरिश्ते बन देन, अगर इस सारे वजूद नु कट्ठा कर दो तो तनहा हुसैन इब्ने अली बन दे। अल्लाह थोड़ी जिंदगी तरह फरमावे। सरकार मुस्लिम ने अकील अलैहि सलाम दे खुतबा ही जबानो और तारीख गवाह है कि इस खुतबे के बाद सरकार मुस्लिम ने अकील ने अपने सज्जे हाथ नु बुलंद किया और बड़ी आसान अरबी है अपना तर्जमा खुद ही कर रही है लुत्फ लेना के आख्या की है सज्जे हाथ नु बुलंद किया चूंकि इस खुतबे के बाद लबैक या हुसैन लबैक या हुसैन दियाँ सदावं मस्जिद कूफा च लगनियाँ शुरू हो गई और जमाना याद रखे लबैक या हुसैन आख के नस नहीं जवींदा। हुसैन बादशाह की कचहरी च लबैक या हुसैन आके फिर नसण वाली जा नहीं रही जिवें काबे विच लबैक अल्लाहुम्मा लबैक लबैक ला शरीका लक लबैक इन्नल हमदा उत्थे भी लबैक आके नसना नहीं है क्योंकि हाजरी दे आखिरी मयार दा नाम है लबैक। कुफालियां भी आके आ लबैक या हुसैन लबैक या हुसैन तो जिथे हुसैनियत नूं लोड़ पई सारे नस गए तो लबैक जदों भी आखनी है जवानों लबैक या हुसैन ऐसा आखना है जिस फरार न होवे जिस कदम पीछे ना हटे जो बंदे आख्या लबैक या हुसैन वेखना असमत सरकारे मुस्लिम दी वेखना दरैन कुर्बान करा सजे हाथ नु बुलंद किया तो फरमा या यू अन्नास हाजा यद्दुल हुसैन। लोगो ये हुसैन का हाथ है। सरकार मुस्लिम ने अकील ने फरमाया इस हाथ नु हुसैन दा हाथ समझ के बैयत करो। बात पहुंच रही है ना जवानों, इस हाथ नु हुसैन इब्ने अली दा हाथ समझ के बैयत करो। याद रखा है जो बैयत दा नाम आया तो जेड़े यजीद दे हवारी उन्होंने शोर मचाया उन्हें कह रहे जे इब्ने ज़ियाद आ रहा है उसकी भी गल सुन लो यजीद की चाहता है फिर फैसला करना हुसैन आले पासे जाना है या यजीद आले पासे जाना है। फिलहाल नमाज का टाइम होने वाला है अजान दे सारी मजलिस भुल जाना ए जुमला हुसैन दे सफीर दा नाल लै जाना। मुज़ान आख्या अल्लाह अकबर तो उस टोले के तरफदार मस्जिद आले पासे टुर पे। मुस्लिम ने अकील दे चेहरे ते जलाल है फरमाया नमाजी और रुक जाओ नमाजिया मुस्लिम वाल वेखिया जलाल चाके फरमाया याद रखो नमाज का चराग हुसैन। दारैन कुर्बान कर देवा नमाज का चराग हुसैन। और जेड़ी अगली गल आखी है फरमाया जेड़िया हुसैन नु कंड करके पढ़ते पे हो इन्हां नमाजां दा कोई फायदा नहीं है। मुस्लिम इब्ने अकील ने फरमाया चुके नमाज रूहे नमाज असले नमाज तुहाडे इंतजार काबे विच जेड़िया हुसैन इब्ने अली नु कंड करके सरकारे मुस्लिम दे जुमले ने हुसैन इब्ने अली नु कंड करके जेड़िया नमाजा तुसी अदा कर रहे हो अग पई बनदी है।
नमाज का चराग हुसैन है। जिस नमाज च चराग नहीं हो अंधेरा है। किसे आख्या जन्नत का लालच है, सदके हो जावा। मुस्लिम ने अकील फरमाया जन्नत जाना चाहते हो हुसैन दे घोड़े दे पिछे टुर पवो, मुर्त जिस दे पैरां दी धूड़ तो जन्नत दे दरवाजे ताई लेके जाए। सुभान अल्लाह। तो मिशन वास्ते इंसान दा इस तरह हाजिर होना, ये साढ़े वास्ते सबक है कि वक्त दे इमाम दी नुसरत और हिमायत किस अंदाज च कीती जावे, किस मयार ते कीती जावे। मुस्लिम इब्ने अकील अलैहि सलातु वसलाम ने जितनी तबलीग की, फिर रात के टाइम मलून इब्ने ज़ियाद दारुल अमारा नु इस कब्जे च लिया, 18,000 बंदे बैत की गई। आनी बिन उरवा दे घर मेहमान हो गए, लोग दौड़ गए, इब्ने ज़ियाद आमन दी दे रही, अद्धे तो ज्यादा दुनिया तो उस वक्त छोड़ गई है मुस्लिम। हाथ से बैत करके इमाम हुसैन अलैहि सलाम दी बैत तोड़ के दुनिया नस गई है। तो परेशान हैं हानी बिन उरवा और मुस्लिम, और दुआ की मर्जी है भी किसी तरीके, चूंकि इब्ने ज़ियाद के आमन लोगों के रंग तब्दील हो गए, बिल्कुल लोगों ने राबता मुनकता कर दिता है, तो किसी तरीके से कोशिश करके से इमाम हुसैन अलैहि सलाम नाल किसी मंजिल से शामिल हो जाइए। सरकार मुस्लिम का अगला जिहड़ा नजरिया है वो ये है कि किसी तरह मुस्लिम मौसजा हबीब ने मजाहिर हानी बिन उरवा और मुस्लिम ये चारे बंदे किसी ना किसी तरह निकल के मदद हुसैन वास्ते पहुंच जाए, चूंकि हुसैन तनहा है। हुसैन इबन अली की हिफाजत करना और साड़ी अवलीन तरजीह है कि हुसैन इबन अली ना मारे जावें। हुसैन इबन अली अगर मारे गए तो इस्लाम दे निजाम दा फिर कौन जामिन हो सी, यजीदियत दा गलबा हो रहा है। लेकिन याद रखे हानि बिन उरवा ने बुलाया इबन ज़ियाद ने अपने महल च दारुल अमारा च, कोई मुस्लिम की खबर एजेंसियां ने दसे है मुस्लिम तेरे घर रहे, उस आख्या नहीं मेरे घर मुस्लिम नहीं है। एक माकिल नामी शामी हरामी की ड्यूटी लाई गई भी तू अली दे शिया दा लुबादा ओढ़ के खुम्स देने दे बहाने पता कर मुस्लिम हानी दे घर है या नहीं। बड़े दिन तक के मस्जिद कूफा च नमाजा पढ़ता रहा, मुस्लिम इबने औसजा दे नाल आके बवेया, झूठा गिरिया करेया, रोवे हा, गिड़गिड़ावे हा, फिर दुआ च सुनावेया मुस्लिम इबने औसजा नू कि मैं हुसैन दा सफीर मिल जावे, मैं खुम्स देने। 3 दिन बाद मुस्लिम मौसजा इसन नार रला के हानी बिन उरवा दे घर ले आए, मुस्लिम ने खुम्स दिता, ए मलून सीधा इसके दरबार च गया। ऐसा कि मैं खुद मिल के आ रहा हूँ, मुस्लिम हानी बिन उरवा दे घर, दोबारा फिर हानी दरबार च बुलाया। हुण जो हानी बिन उरवा दरबार च आए मेरे शिया सुनी भाईओ, तो ये माकिल सामने आ गया। जो माकिल सामने आ गया तो राज खुल गया कि मैं अपनी अखा नाल हानी बिन उरवा दे घर मुस्लिम ने अकील नु वेख के आया, मैं सदक्यो जावा मुक्की मंजिल ते हानी बिन उरवा तलिया मलका दे हुसैन तेरी अपनी किस्मत। हानी बिन उरवा दा कतल हो जाना ये भी बड़ा वड्डा दर्द है जवानों साडी कौम वास्ते। हानी बिन उरवा नूं भी उतनियां तकलीफां दित्तियां गईयां जितनियां मुस्लिम ने अकील बादशाह नूं दित्तियां गईयां। जेकर मुस्लिम ने अकील वड्डे घर दा वड्डा फर्द आई तो यह भी उम्मत दे एक बहुत बड़े कबीले दा सरदार है हानी बिन उरवा। मैं तो किताब पढ़े भी 12,000 तक मुसल्ला फराता हर वक्त हानी बिन उरवा दे नाल रहंदे, इतने बड़े कबीले दा सरदार है। हानी बिन उरवा दा कतल हो गया। जिहड़े बंदे सरकार मुस्लिम नाल जिन्ना घिराव कीता होया दारुल अमारा दा, उन्हां दे सरदारन बुला लिया, पैसे दिते, सोना दिता। वो फिर जिहड़ा सरदार अपने कबीले नूं बुलाना चाहे वह छत ते चढ़दा दारुल अमारा दी वादा बस साडा इन्हां दे नाल कंप्रोमाइज हो गया है, असी यजीद दा साथ देना है, मुस्लिम नूं तनहा छोड़ दिओ। मुस्लिम वेधे रहे, सरकार मुस्लिम दे खलोतियां लोग छोड़ के टुरदे रहे मुस्लिम नूं। और जवानों सारे तो वड्डी दर्द वाली पता की गल है, सारे तो वड्डी दर्द वाली यह गल है, जिथे हजारां बंदे मुस्लिम दे नाल आए ना, असर दे टाइम में जिस टाइम में मैं पढ़ता पिया सिर्फ 400 बंदा मुस्लिम नाल रह गया है जिन्हें घिराव किया हो। बस हुण सरकार मुस्लिम ने फरमाया हुण इत्थे खलोना नहीं बनता, किसी भी टाइम हमला हो सकता है,
मैं करबला पहुंचना है, हर हाल च मैं हुसैन इब्ने अली तई पहुंचना है। मेरे नाल गद्दारी हो गई है। मुस्लिम इब्ने अकील हुण कूफा दी गली, असर दा टाइम ढलिया ते मगरब शुरू हो गई है। कोई मैं सदके हो जावा, मगरब दियां अजाना मिलदियां पईयां ने कूफा दी गलियां च, हुसैन दा सफीर है। ते जेड़े बंदे पिछे ने सरकारे मुस्लिम दे, हुण उहनां दी तादाद 30 या 40 रह गई। तारीख आती है कि मुस्लिम टुरदे जा रहे हैं ते पिछू गलियां विच ना लोग लुकदे जा रहे हैं, तुरे हुए पिछे ने सरकारे मुस्लिम दे। लेकिन मुस्लिम पिछू नहीं मुड़ के वेख रहे, पता ने। लेकिन होया कि ये लोग मुस्लिम तनहा छोड़ी जा रहे हैं। जेड़े वेले मुअज्जिन अजान मुकाइए ना, तो मुस्लिम आदन में नमाज शुरू की थी। जद मगरिब दा सलाम फेरिया तो मैं तनहाम ते कूफा दियां गलियां, ओए मैं सदके हो जावा, उम्मीदारैन कुर्बान कर दे। अगर कोई मेरे अहले सुन्नत भाई आए बैठे तो जो अंदाजा तो होया उसी ना कि सरकारे मुझ जेड़ा पहली मरतबा मजले से चाहे भाई आज आला रोण ते मातम साडा क्यों है, इमाम हुसैन बादशाह दे सफीर नाल होया की है। तन तनहा मुस्लिम ने अकील कूफा दियां गलियां, फौजां गश्त कर रही, ऐलान हो गया जिस दे घर च मुस्लिम मिलिया घर जला दिता जाएगा, जिंदा या जनाजे दे रंग च। जेड़ा मुस्लिम लिया सी मुंह मंगया इनाम दिसाए। मुस्लिम एक तव्वा नामी औरत दे घर दे बाहर आके दीवार दी टेक लाइए, औरत आदि मैं अपने बेटे दा रस्ता वेखण कान मैं दरवाजा खोलिया। मुगी तमहीद मसाइब पढ़िए, आदि जी मैं दरवाजा खोलिया ना तो मैंने एक बड़ा खूबसूरत जवान हाई कोई बहादुर पासे नाल तलवार भी अस, लेकिन पता नहीं वो इंज क्यों रो रहे आई। आदि मैं घबरा गई, करीब जाके मैं वेखे तो मैं ना दे माई मैं पानी तो पिला, कोई ऐसा शफीक लहजा आई पानी मंगण दा। आदि मैं फौरी दौड़िया मैं जाम भर के भला हो बस इो पानी आई जेड़ा मुस्लिम पीता आई सामने करके पई आदि बिस्मिल्ला। आदि कोई ऐसा अजीम जवान उस बिस्मिल्ला पढ़ के पानी पीता, जद पानी उस हटाया ना तुंदी अखा वस पई। आदि मेरी जरूरत नहीं पई मैं उससे सवाल करा, किसी वे घर का फर्द लगता ही। आदि जो मैं अंदर आई हाँ ना वेड़े विच भी मैं सुकून नहीं आया, केड़ा वेला होवे मैं बाहर जावा मैं वेखा वो जवान बैठा है या चला गया। आदि जे मैं गई हाँ ना तो हूँ दीवार दी टेक ला के ना चेहरा आसमान अलमू करके प्यादा धोखा हो गया। वाह भाई वाह। अगला जुमला भी जवानों थोड़े हिस्से का है, करीब आके पी आदि जवान रात हो गई है तेरा घर कोई नहीं। मेरे शिया सुने भाई ओ ठड्डा सा भर क्या दे माई, मेरा ओ घर है जिथे कुरान नाजिल होंदे। तड़प गई है तड़प के भैया दिए मैं भूल दिया या तो हुसैन द सफीर मुस्लिम इब्ने अकील है। फरमाया ते ठीक पहचाने हैं, कूफे आलिया मैं नहीं पहचाने। मौला ये तुहाडी कनीज दा घर है, अंदर तशरीफ ले आओ। जगह जगह ते फौजा टुरी हुई, हुसैन द सफीर मिल जावे, हुसैन का वकील मिल जावे। मौला तुहाडी तलाशी हो रही है, तलाश कर रहे हैं तुहान। मुस्लिम ने अकील फरमाए मता मेरी वजह तू तेरे घर उते जुल्म करें, मैं शरीफ घराने दा फरदा, मैं नहीं चाहता मेरी वजह तू किसी दी धी दी चादर ले जावे। तुहाडी हाय क्यों निकल गई है चकवाल लियो। अरमान है जेड़ा दुनिया दिया धीयां दा एडा हया करदा अपनियां, कोई किसे मुल्क च रोल के मर गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चल अपने किसे गम में जाए ना करो, मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले तराजी हो। आदि मैं एक बिस्तर अलहदा कमरे च बिछाया तो न तड़प के फरमाए बिस्तर समेट दे मुसल्ला बिछा, हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी रात होवे। इस मलौना तक बेटा जिसका नाम तारीख बिलाल मिले है, ये मलौन शराबी आई रात के टाइम आते मैं घर आए तो मेरी माँ एक कमरे में बार बार आ रही है तो जा रही है, बार बार आ रही है तो जा रही है। याद जी मैं वेखिया तो हुसैन का सफीर मुसल्ले ते इबादत मसरूफ है। ये फिर मुहम्मद बिन अशियस कुंदी कोल गया जवानों, मुहम्मद बिन अशियस कुंदी ने इस अद्धी रात ले जगा के आख्या कि मुस्लिम साढ़े घर है। उस इब्ने ज़ियाद ने इतला दी 1000 बंदे का लश्कर मुस्लिम की गिरफ्तारी वास्ते तव्वा के घर को मुहासरा किया घेरे है। जिमें घोड़िया के टापन की आवाज़ आई है ना, पहले उठा तो पढ़ता बेहौल इल्लाह कुव्वत ही अकूम व अकुद,
जदों घोड़े दे टापा ते तलवारां दी आवाज सुनी इन्हां अपनी तलवार चा के पड़े अस्काल हो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओए मैं सदके हो जावां, मैं दा रहन कुर्बान कर देवां। जवानों याद रखिया है, सरकार मुस्लिम ने अकीन दे सिर्फ अगर मैं मसाइब पढ़ने शुरू कर देवां ना, सिर्फ मसाइब मसाइब, तो ये जितना वक्त मजलिस दा होंदा है सिर्फ मसाइब विच गुजर जावे। यानी पहले जुमले तो मातम शुरू होवे ते आखिरी जुमले तई मातम ही मातम। ये जिथे असी मुकैने हाँ इतों तो मसाइब का आगाज पे आंदा है। खुदा दी कसम है मुस्लिम वो गरीब है जिंदी कई दिहाड़ियां तक लाश कूफा दी गलियां च फिराई गई है। हानी पे नुरवाए ओ मजलूम है जिसकी कई दिहाड़ियां तक लाश बाजारों में फिराई गई है। और मेरे भाइयों अगली बात भी तुम जहन च रखा है, हानी बिन उरवा मुस्लिम की लाश 12 ज़िलहज नूं ईद के तीसरे दिन कूफी गए, उन्हें जाके इबन ज़ियाद नूं आख्या है, उन्हें आख्या इबन ज़ियाद साढ़े बच्चियां खेडना है, गली विच लाशां पईआं होईआं ने, तुहानूं आखो तां इमाम ज़माना दा बयान सुणावां, बादशाह दा वैन सुनावा। शहनशाह फरमेंदे मेरा सलाम कूफा दे उस शहीद ते जिस दा गोश्त कूफा दियां गलियां च तकसीम हो गया। मरहबा मरहबा, शाला अपने किसे गम में चुना रोवो। साहेब कुनार भी आख्या गया, और अगर कुनार दा तर्जमा कर दिता जावे तो खुदा दी कसम है कन्ना च खून बाहर आ जावे। तो फिर तीसरे दिन 12 ज़िलहज नूं हानी बिन उरवा ते मुस्लिम बिन अकील बादशाह दियां लाशां चा के कूफा ते जंगल च रख आए। मैं प्यादा रख आए, अगर उस आखिरी महल्ले च लाशां दा गुजरन पढ़ दिता जावे तो साडा अपना ही जिगर फट जावे। और ऐलान कराया इबन ज़ियाद, किसे कोशिश की थी मुस्लिम दी लाश दफन करन दी जां हानी बिन उरवा दी, असी हथ कट दिसाएं, घर होया घर जला दिसाएं, जवान होए सिर कलम कर दिसाएं, औरतों या तो चादर ला लिसाएं, कौन जावे। हर कोई खामोश हो गया, सारे दी गैरत मर गई। तीन दिन जनाजे, मेरा सारे मजमे ते सवाल है कदी मस्जिद दी दीवार नाल भी कदी कब्रां बनियां। वाह भाई वाह, जेड़े जवार हो करबला दे कूफा दे, तो इन्हां दोवां दियां कब्रां दीवार नाल किवें बणीआं। आओ जवानों मैं दसां, जदों तीन दिन गुजर गए ना तो सारे दी गैरत मर गई, तो किसे ना लाशें इस्लाम दा हुक्म है जितना जल्दी होवे लाश नूं हाथ भी नरमी नाल लाओ तो दफन भी जल्दी करो। तीन दिन दे बाद अद्धी रात ले जदों सारे कूफी सुते हुए ना, एक दरवाज़ा खुलिया। जवानों किस दा दरवाज़ा है? हबीब इब्ने मज़ाहिर अल-लस्ती दा दरवाज़ा। हो सकते इस तो अगे मैं पढ़न की लोड़ ही न पवे। हबीब का पुत्र आई नहीं, बिरा आई नहीं, बेटा आई नहीं, कौन आई? हबीब की बुढ़ड़ी जौजा। मर्दा ली पगड़ी बधी हुई है, मर्दा ला लिबास पाया हो, हाथ च कई चाई हुई है, आबाद अंदर कई छुपाई हुई है, तो लुकदी लुकदी अद्धी रात ले हानी दे घर आई है। उसकी बीवी का मोढ़ा ही ला क्या दी, जाग मेरे वेहड़े च ज़हरा आई हुई। मरहबा, जिंदे वाल खुले हुए ने रो रो के पैया दी, कोई दफनाओ मेरे पुत्र दे वकील दी लाश। मरहबा मरहबा मरहबा, शाला अपने गम भी न रो। मेरे वेड़े वे सैयदा दे वैन आ रहे, मेरे वेड़े च बिनते नबी आए हुए, पर उन्हें फरमाए कोई मेरे पुत्रां दे जनाजे दफनाओ। तो इसने भी फिर मर्दां ला लिबास, हानी बिन उरवा दी बीवी ने भी मर्दां ला लिबास। मौला मौलाना मोहम्मद अमीर अदीब साहब नु मालिक शिफा सेहत अता फरमावेन, होर दीगर जितने अलील मालिक सेहत शिफा अता फरमावे, सब दा दुआ गुआ, सब नु दुआ करके जा रहे हैं। औखी दुआ दिल च रखा है बाबुल हवाइज दी मजले से, वैन दो करने इंज रोसे जिवें मुस्लिम दियां धीआं चाहुंदियां। इन्हां वत कईआं चाह लईआं, मर्दां ले लिबास इन्हां पायो ते वत टुर पईआं। अंदाजा करो आज तू 1400 साल पहले दा जमाना होवे, जंगल होवे, दो मस्तूरां होवन ते लभणियां लाशां होवन। लाशां वह लभणियां होवन शिया सुनी भाईओ जड़ियां जख्मी होवन, सिर नाल ना होवन।
खुशबू ते टुर पईआं यादियां नसी टुरदे टुरदे जदों जंगल च पहुंचियां तां लाशां चों खुशबू ते नूर पिया निकलदा ई। सारिआं तों पहले ते इन्हां मर्दां लईआं पगड़ियां लाईआं ते वाल खोल के वैण करके आखन कदी तेरियां धीआं होवण आ मरहबा कोई आदिए कदी तेरी वारिस रुकैया होवे हा भला हाय करण आला कोई रो के आदि अरमान है तेरी धी होवे हा रोमा ना लियो हानी बिन उरवा दी लाश जुमले च कयामत हानी बिन उरवा दी लाश हानी बिन उरवा दी बीवी बड़ी औखी कांड ते चाहिए मुस्लिम दा कादा ही ढेर सारा ते जख्मी भी ढेर सारा हबीब इब्ने मज़ाहिर उल असदी दी ज़ौजा बड़ी औखे हो के ना मुस्लिम दी लाश कांड ते चाहिए मातमी नाल मेरी गल ए ते इंदे मुंह चुईयो जिहा वैण निकले ना तड़प के मुस्लिम दी लाश मिट्टी ते झण पईए चेंदी जाते पईआ दी कदी अज गाजी होवी हा बेरा अब्बास होवे मुस्लिम रोल के ता वाह वाह जेड़ा मुस्लिम ते हाय न करे बेशक गाजी सरकार दी शहादत ते न रोवे मुस्लिम ओ गरीब जन अब्बास ढाई मार के रुन्ने मैदारैन कुर्बान कर देवा सरकार मुस्लिम इब्ने अकील अलैहि सलातु व सलाम मेरी कौम शिया गली विच आए और ऐसा हमला हाशमियत तलवार लेना या हाशमियत ज़ीन छुड़ावना है कोई आसान नहीं एवं 9 लाख इकट्ठा हो गया अगर जिस तादाद इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने दुश्मनों को मारे इमाम हुसैन अलैहि सलाम जिस तादाद मारे हो चंगे भले शिया नू दस दियो तो हो सकते हो बिना बर्दाश्त कर सके भाई इतने बंदे इमाम हुसैन अलैहि सलाम मारे जब किस बात की तहकीक करबला चु मैं करके आया कितने मारे न हुसैन अलैहिस्सलाम और 24 लाख तक की रिवायत है भी 24 लाख बंदा करबला च हुसैन नु मारे ना आया ही हाशमी जीन छोड़ दे ही ना 70,000 तो अमीर कासिम ने मारे 28,000 अली अकबर ने मारे तो 1,000 बंदा तारीख आदि मुस्लिम किना दीवारा ते मारिया किना सिर टकरा के सिर फाड़ दिते मार दिता टुकड़े कर दिते मुस्लिम ने 1,000 बंदा मार दिता। मुहम्मद बिन अशस कुंदी फिर दौड़े उस आखे बंदे तेरे मार दिते मुस्लिम उस आखे कितने मारन आले गुलड़न आले कितने उस आखे तनहा ओए मैं सदके हो जा हो सके एक बंदे ने 1,000 मार दिता फिर 1,000 दा लश्कर फिर ये आखना बड़ा ही सौखा है सुनना भी बड़ा सौखा है 4,000 बंदा मुस्लिम इब्ने अकील ने तय ते किया इन आखे इंज नहीं लांदा गड़ा खुद टोआ खटिया गया चूने और पत्थरां नाल भरिया गया मुस्लिम नु घेर के गड़े वे छटिया ओए मैं सदके हुआ सरकार मुझे तो गड़े विच डटे ना तलवार नहीं छोड़ी छत खलोती एक औरत है जंदे हाथ च वजनी पत्थर है पढ़ देवा या लुकावा बोलो जड़े काले लिबास जवान हो ओए मैं सदके हुआ जे सिर ते मारण दा इरादा कीता है उस वेले मुस्लिम रो के पिया देन हया कर मैं कूफा लियां दा मेहमान आ या जहरा या सैयदा गड़े विच गिरे हुए डटे हुए भी सरकार मुस्लिम ने अकील अलैहि सलाम दे करीब कोई नहीं जा रहा तारीख आदि है उन्हें कि मुस्लिम असी तेना मान देने इब्ने ज़ियाद तेरे बारे जेड़ा फैसला कर सी सानू मंजूर है लेकिन मुस्लिम तू तलवार सट दे मुस्लिम फरमाए तुसी मेरे पीर की बैत करके छोड़ गए हो तुहाडे ते यकीन किवें करा मुहम्मद बिन अशस कुंदी मलऊन हरामी ने आख्या मैं अल्लाह जामिन देना तू अमान चे तौहीद ते तवते ना जाना कुर्बान इन्ने ही कीतियन मुस्लिम तलवार गड़े तो बाहर सटीए समझो तो इस तो वड्डा जुमला कोई नहीं मुस्लिम तलवार सटीए किसे गाले च रस्सियां पा लिया किसे हत्था विच रस्सियां पा लिया किसे मुस्लिम नु मारिया किसे वाला तो नपया ओ शिया सुनियो कयामत दा मंजरा मक्के अल मुंह करके मुस्लिम आदे हुसैन मेरे नाल धोखा हो गया इन्ना अल्लाह जामिन दे के इन्ना मेरे नाल धोखा कीता मैं उन पढ़ नहीं सकता जो सरकार मुस्लिम नु किस रंग च दरबार तक लेके आए तरीका दिए जख्मी बिफरे होया शेर हुसैन दा कई सौ बंदे सजियो रस्सियां नपियो या कई सौ खबियो नपियो या इब्ने ज़ियाद नु इंतजार आई वेखा तो सही जरी है केड़ा
वो जंग जू है केड़ा जेड़ा है कितने ते काफी होया। मुस्लिम दा पहला कदम दरबार च आया, मुंह चो रत पई वांदी आई, पेशानी फटी हुई आई, सारा बदन पाक जख्मी आई, मैं तस दा रूह जाई, प्यास दा रूह जाई, पानी मंगया तो गुजाले मारदे हैं। मातमी नाल गल सामने आके पैदे, तू मुस्लिम है? फरमाया हाओ मैं मुस्लिम इब्ने अकील हाँ। आदे ते सलाम क्यों नू कीता? जानदा नू मैं अमीर हाँ कूफे दा। फरमाया ओ जालिमा वल्लाहे माली अमीर उन सेवल हुसैन, मेरे अमीर दा नाम हुसैन है। दुश्मन दे दरबार च हुसैन नू अमीर सदया, दरबार च एक जख्मी पासे वाली बीबी आईए हाय करण आलियो, रो के पैया दिए, मुस्लिम जा वादा हो गया तू माशर ताई अमीर सदींदा रासे। वाह भाई वाह, जदा पूरी दुनिया मेरे हुसैन दी दुश्मन हो गई, ओ मेरे गरीब नू अमीर सदन आला तू माशर ताई अमीर सदींदा रासे। इस जालिम ने तहरीर लिखी, आदे दारुल अमारा दी छत ते ले जाओ, सर तन तो जुदा कर दियो, सर मैं माफी दिवे जेडे सदात बैठे हो, सर बाबे कूफा ते लटका दियो, लाश जमीन ते सटन तो पहले ऐलान कराओ जिनांदे जिनांदे मुस्लिम मारन। हाय ओए मैं सदके हो जावा, जिनांदे जिनांदे मुस्लिम मारे, न करो ना बदला लेना है ना तो ओ दारुल अमारा ले बाजार चा जाओ। मैं लुकामा नहीं, अली दे पुत्र दा मसाइब है, अली बादशाह दी धीआं दा तो चलो उम्मतियां असीं नहीं पढ़ सकते, अली दे पुत्र दा तो सुनो। हुण तो साडे अहले सुन्नत भाई इतना मसाइब पढ़ रहे हैं, खोल के रिवायतां पढ़ रहे हैं, असीं तो फिर साडी तो ड्यूटी ना दे मसाइब पढ़ना है, लेकिन मुड़ भी कज के पढ़सा। जदा मुस्लिम नूं दारुल अमारा आले पासे लै के गए ना, किसे बड़ी औखी जी जा तू नपे होया ने, हाथ मुस्लिम दे बधे होया ने। मातमी नाल मेरी गल है, रोवन आलो जद मुस्लिम दारुल अमारा दी छत ते आए ना, ते ना के मुस्लिम सर झुका, बुकैर बिन हमरान मलोन कातिल मुस्लिम ने अकील दा, ऐसा के मुस्लिम सर झुका, जवाब सुनया है हुसैन दे शेर दा। फरमाया जालिम जे झुकाना होंदा, ओए मैं सदके हो जावा ते इतना मरीना आई मैं, फरमाया मैं सर झुका वा, कल तुसी हुसैन नू आखो कि मुस्लिम दा सर साडे सामने तस्लीम खम हो गया। फरमाया खलोते दा ही कटना ने पहला वैन जिसते मोर अली दियां धीआं दी, इन्ना मुस्लिम नू झुकाण कान मारना शुरू कीता है, या भैणा दे खैमियां च रोंदा या हुसैन टुरिया है। हाय जरूर कर दे जवे आए, कूफाल भजे आए ते बाई बधा क्या दे, हाय मेरा तस्सा फिरा। चार मुहर्रम ई, पांच दी रात ई, चंदियां दा मेहमान ज़ैनब आलिया दा भिरा, हायो मेरा मुसाफिर भिरा, हायो मेरा प्यासा भिरा, हायो मेरा परदेसी भिरा। अजादारो भिरा नु इंज तड़पदा वेखे ना, अली दियां धीआं नु कई भोल पै गए, हलचल मच गई है खेमियां दे अंदर, दा रहन कुर्बान करा सज्जाद उत्ते आके झणियां, सज्जाद ओ भी इमाम है तू भी इमाम है, पंज बाबे तू पुछ तो सही बे मौसमा क्यों तड़प के रुने, कूफे आले पासे क्यों तेज कदम चाह के दौड़े है मेरा भिरा हुसैन। आदि भाई वाला फूफियां दे सामने सज्जाद नहीं रोया, लेकिन जद बाबे दे सामने आया है ना, सज्जाद भी रुने हुसैन भी रुने, ते गल च बाई पा के पिया दे, बाबा तेरे भिरा दे बड़े अरमान है। वसदा रहे वसदा रहे वसदा रहे, ओ मैं सदके हो जावा, बाबा तेरे वीर दे बड़े अरमान हैं, मुस्लिम दे बड़े अरमान हैं, रोग के प्या दिन सजाद वेदा पे है ना, कितना पे मरें दिन, तू मेरा इमाम पुत्र है, कोई मैन सलाह दे, कितना जुल्म पे कर दिन मेरे भिरा ते। सजाद हत बन के प्या दे, बाबा मरें दे तां पे जो चाचा दे सार सिवाए हुसैन दे किसी दुए दे अगू झुक नहीं सकदा, बाबा मेहरबानी कर आखरी वेला मेरे चाचे दा कुछ तो सौखा हो जावे, इजाज़े इमामत नाल दारुल अमारा दे सामने आओ, मुस्लिम नू ज़ियारत कराओ, कितना मातम होवे ते हक अदा होवे, हुसैन इजाज़े इमामत नाल मुस्लिम दे सामने, मुस्लिम वेधा गया है सार झुकदा गे, सैयदा दे ना मारो इंदियां धियां रुल गईयां, सैयदा दे ना मारो कल ईद दा दीन है।
तसा न मारो रुकैया दा सरताज। या जहरा बाबुल हवाइज मुस्लिम, बाबुल हवाइज मुस्लिम दुआवा मंग दे वे सैयदा दा न मारो हुसैन दा फिराए करके रोवन लिया सज्जाद सामने। कई बारी हुसैन उठे आए ते झणिया कोई एडा उच्चा हुसैन रोने हुसैन दे वैन भैणा सुने धियां सुने दाइया ने सुने हर कै सुने पर जिमें अलमाल अब्बास। ओए मैं सदके हो जावा या जहरा आवाज़ां दे मौला कर भजदान दई अब्बास हाथे तलवार चक्कर देन दान दे गाजिया दे फिरा दो वेंदियां मैं उत्थों लगियां जिथे मेरी भैन रुकैया दा खैमा। मेरी मातमी नाल गल गाजिया दे निकियां निकियां धियां नू सामने बलहाई बैठीए धियां नू आदिए जल्दी करो अपने अपने दौर लहाओ जेंदे मजा बिच मातम जायज गाजिया दे इंज क्यों करे नी रो के पैया दे खाब डिठा है मेरा मुस्लिम मरी गया है। मैं खाब डिठा है मेरी चादर नू भा लग गई। या जहरा या सैयदा अब्बास आदे हो अल्लाह जाने तुम्हें रोनी है मेरा मुर्शिद हुसैन रोंद अब्बास दौड़े औखे वैन जवानो जदा गाजी नुआ हुसैन ने वे क्या पर मैं दिन सजा दखा साफ कर अब्बास पियाद तड़प के प्या दे बाबा चाचे दाखरी टाइम अब्बास दा फिराए लुकावो नहीं गाजी नु मिलाओ चा वत माशर नु मुलाकात जिना घरां तई रोना है अब्बास तड़प के प्या दे मौला भैणा देवाल खुल गए नी मौला सज्जाद रोंदा है अकबर रोंदा है कोई मैनू भी दसो कोई कयामत नहीं आ गई है मातम दा पुरसा हुसैन दिन पहले वादा कर सफर करे से रो के प्यादा है अकबर दा बाबा केड़ी जाइए जिथे मैं सफर नहीं कीता हुसैन दे जरा मेरी उंगलियां च वेख जदों सज्जाद डिठा मुस्लिम दा सर झुकया होया जदा गाज़ी डिठा है कातिल दा हाथ मुस्लिम दे वाला वेचा तमाचे मार मार के आदा हुण गाज़ी बुला वावेला करके रोवो मातम दे दिहाड़े न कौमे शिया आवाज़ां दे अरमान अज गाज़ी होवे आ बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला बाहर जिस जिस मकाम ते आजादार रो रहे हैं साडा बड़ा नुकसान होए कोई बंदा शर्म न करे कल जोड़ी नू रोसी जेड़ा होसी ओ मैं धियां दे परदे कुर्बान कर देवा जदा डिठा तड़प के प्यादा मौला कोई बड़ा मजलूम है अपने बजुर्गां दा पुराना बंद पिया पढ़दा कोई बड़ा मजलूम है जेड़ा ढेर सारा जख्मी है कातिल दा वाला विच हथ है हुसैन गाजी नू मोढ़ियां तो नप के आ दिन सुन्यान तेरा फेरा मुस्लिम है मुस्लिम दा नाम आया डिठा मनजल सौकते गाजी ने मुस्लिम दा दुखिया हाले आया जोश जलालिया वाले नो पिया वल वल ते रो रो के आदे पिया लुट दे ताज रुकैया। या जहरा या सैयदा हौसला 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 जवानों हर बंदा समझे एक वसीम अब्बास पढ़ा ना लै एक मैं कल्ला सुना नाला हर बंदा समझे हर बंदा समझे एक हुसैन दा जाकिर एक मैं कल्ला बैठा इतना रोसे जितना ली दियां धियां चांदियां हाय करके रोवन आला मुस्लिम दा नाम आया अब्बास कई बार उठे आए
कई बार जनिया है एक पासो अकबर न पिया एक पासो सज्जाद न पिया रो के प्या दे अकबर लाल एक बारी हट में भिरा नाल गल करनी है हुण पर्दा नहीं पा सकदा गाजी हाथ बन के प्या दे अकबर दा बाबा है तलवार ही मैं नहीं लड़दा मिन्नत ला जिवें भिरा मिलाए मैनू कूफा पहुंचा वावेला वावेला परदे कुर्बान कर देवा रो के प्या दे मौला तलवार मैं नहीं लड़दा मौला मिन्नत ला जिवें मैनू भिरा विखाए मैनू कूफे पहुंचा वक्त दा इमाम हुसैन दा गाजी जैनब नु जंगल छोड़ के वैना रो के प्या दे मौला जिथू इना लाश सटनी है सफर ढेर मौला मैनू पहुंचा मैं मुस्लिम नु बाजुआ ते झल्ला हर शिया ते मातम लाजे में हुसैना दे जरा बाजार च वेख गाजिया दे मैं डिठा है तेरी मां जहरा जिदे लाश टुर दिए झोली बनाई रोनी तरो रो के आदिए आ लहे आ मां दी गरीब या जहरा हाथ न जोड़ रो रो क्या दिए आल है आ मादे मेरा दिल मनदा है मेरा दिल लादा है लाहौर अली मलका वारिस दे मुकान ते आयो से आखो ता एक पुराना जिया बंद पड़ा आखो ता बजुर्ग पढ़ते होंगे आए नाए दो मकतोला दिया बाद मरण दे नहीं होया अखियां बंदे एक मुस्लिम पुतार करबलाए करबलाए औखी दुआ बाबुल हवाई दी मजले से आए करके रोवन आलिया कयामत दा मंजर जालमा तलवार मारिए सार एक पासे मैनू सैयद माफी दिव्या है मैनू मातमी माफी दिव्या है मुस्लिम दे लाश बाजार चाहिए ओ मैं भैणा दे परदे कुर्बान करा जिन्हां दे बंदे मारे आएन ओना लड़ना शुरू कीता कोई आदा मुस्लिम दी लाश मैं लै जानी है कोई आदा मैं लै जानी हुण मरदियो तां मर जाओ लुका नहीं सकदा उस वेले इब्ने ज़ियाद आदे लड़ो नहीं हल मैं दसे ना जाओ रस्सियां लै मुस्लिम दे पैरां विच रस्सियां पाओ सरताज रुकैया उजड़ी दा जेंदे लाश बाजार फिराए गए लटका के सारा दरवाजे ते अजे नहीं भाई अजे नहीं अजे नहीं भाई अजे नहीं भाई एक मिनट दा इंतजार मंगदा एक मिनट दा इंतजार मंगदा उठीवे कोई ना न्याज़े हुसैन एक मिनट दा मातम हो सकदा है कल मैं होवा ना होवा जिंदगी दे मेले पता नहीं कौन केड़े वेले टुर जावे नौ जलहाज दा कुठा मुस्लिम दी लाश दरवाजे ते रोज लोग गुजरेना मुस्लिम दे सर नू तकलीफ देवेना लोग मार दे रहे अजे ना उठिया है लोग सर नू पत्थर मारेना मुस्लिम कदी भी नहीं बोलिया चकवा ला लिया उसे ले तड़पे आए जदा बारा मुहर्रम ऐलान होया ज़ैनब बाजा ज़ैनब दा नाम आया मुस्लिम दा सर तड़पे आए सज्जाद कोल आए रो रो के आदे क्यों